और भाई एक और कमाल की चीज बताऊं, देखो बेशक से ये नई वाली क्रेटा आ गई लेकिन आज भी लोग पुरानी वाली क्रेटा की डिलीवरी ले रहे हैं। ये पुरानी क्रेटा ऐसी थी, नई क्रेटा ऐसी है, डिफरेंस देख रहे हो। अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे बहुत लोग इसको वेन्यू वेन्यू बुला रहे हैं ना, वेन्यू की ग्रिल देखो भाई इस तरीके की, बंद बंद पूरी बंद बंद, और उसकी बहुत खुली खुली सी है भाई। मुझे इतनी गाड़ी इतनी पसंद आ रही है ना, मतलब मन कर रहा है ब्लैक कलर में तो इसका बेस मॉडल ले लिया जाए, वो रहती है ना एकदम जेन्युइन वाली चीज। ये बंद है भाई, फेक है, देखो कितने चालू है भाई, ये रबड़ सी लगा रखी है खाली। देखो भाई ह्यूंडई ने अपनी क्रेटा तो लॉन्च कर दी है नई वाली फेसलिफ्ट 2024 मॉडल, लेकिन टॉप मॉडल का प्राइस भाई 25-25 लाख रुपए ऑन रोड जा रहा है। वो आपको भी पता 25 लाख में क्रेटा तो कौन ही खरीदता है, जो सबसे ज्यादा लोग हाथ रखते हैं ना क्रेटा के ऊपर वो इसके बेस वेरिएंट ही बिकते हैं, कंपनी को भी पता है, इसीलिए EXSS ऑप्शनली सबसे ज्यादा बिकते हैं। अब उसमें भी भाई ई आ जाता है उन बंदों के लिए जिनको भाई कुछ नहीं चाहिए गाड़ी में, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है जिनको भाई बजट भी कम है लेकिन फीचर्स भी सारे चाहिए जरूरत के, उनके लिए स्टैंड करता है ये वाला वेरिएंट जो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं EX। ये आप कह सकते हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है उनके लिए, जिनको ज्यादा फालतू के शौक नहीं है, बस एक गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते और थोड़ी सी बड़ी भी दिखे। हेलो भाई मैं पवार, ये ह्यूंडई क्रेटा का भाई फेसलिफ्ट 2024 वाला बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट जिसको कहते हैं EX, इसके अंदर भाई अब EX, SS ऑप्शनल, SX टैक्स ऑप्शनल, इस तरीके से वेरिएंट्स आ रहे हैं। और ये हमारा बेसिक ऊपर जिसको कहते हैं EX, वो वाला वेरिएंट है भाई बेस से ऊपर। अगर भाई बेस में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, शीरो स्पीकर, अगर आपको थोड़ा बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ चाहिए उसके लिए आप इसको देख सकते हो। ये कलर इसके अंदर बिल्कुल नया आया है जिसको कहते हैं थोड़ा सा रॉयल ग्रीन करके, ये थोड़ा सा ना दूर से देखोगे तो ब्लैक लगता है, किसी किसी एंगल से जब लाइट पड़ती है तो आपको थोड़ा सा ग्रीन वाली फील देगा। जैसे यहाँ पे देखो जूम करके दिखाऊंगा मैं तो ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा सा अलग कलर है, देखते कितने लोग इसको परचेज करते हैं। थोड़ी जिसको यूनिकनेस चाहिए, थोड़ी सी अलग हटके गाड़ी चाहिए, वाइट और ब्लैक से परेशान हो गया है, वो इसको देख सकते हैं। इसके अंदर भाई देखिए बेस वेरिएंट से ऊपर वाले में भी यहाँ पे DRLS दे रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिकेटर में तो आपको हैलोजन बल्ब भी मिलेगा यहाँ तक दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर एल्काजार वाला जो डार्क क्रोम है ना वो यहाँ पे दे रखा है ह्यूंडई ने, और आपको ये सिल्वर कलर में ही यहाँ पे ये ह्यूंडई का लोगो देखने मिलता है, और मैट ब्लैक में इसके अंदर पूरी ग्रिल दे रखी है। अब लाइट्स की बात करोगे तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है भाई, इसके अंदर पूरा हैलोजन है, लो और हाई अलग अलग कर दिए इस बार, और हाई रिफ्लेक्टर बेस आ गया आपका हेलोजन की इसके अंदर। अच्छा प्राइस और बता दूं भाइयों को, अगर आपको EX खरीदना है ना तो भाई ऑन रोड पड़ेगा ये EX वाला, पेट्रोल में जाओगे तो 14 लाख का, डीजल में लोगे तो भाई साहब 16 लाख रुपए का। कितनी महंगी होगी भाई क्रेटा, 2-2.5 लाख रुपए कब कम में बढ़ गए पता ही नहीं चला। जब इसका ये पुराना वाला 2020 वाला आया था उस टाइम तो भाई 16 लाख में तो आपको मेरे ख्याल से SX मिल जाता था जिनमें सनरूफ वरूफ सब कुछ आता था। और पेट्रोल की बात करूं भाई ये 11,60,000 का मिला करता था जब ये आई थी, रात 14 का कहीं नहीं गया दिल्ली हरियाणा के, मैं ऑन रोड प्राइसेस की बात कर रहा हूं। स्किड प्लेट वगैरह दे दिए अच्छी बात है। EX में भाई इस बार आपको फेंडर पे ही अपना इंडिकेटर मिलेगा, ये बहुत ही बुरी सी चीज़ लगी मेरे को तो पर्सनली। और यहाँ पे ये इनका डिजाइन सेम ही है व्हील कैप्स का जो आपको पहले देखने मिलता था। इसके अंदर 16 इंच के आपको मिलेंगे 205/65R16, उसमें आता है टॉप मॉडल में 215/60R17, इसके अंदर भाई साहब आपका R16 5 मिनट के साथ आपको गाड़ी मिलेगी। और ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह नहीं आएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ये, इसके अंदर वो डंडी वाला सीन नहीं है जो आपने देखा होगा बेस वेरिएंट्स के अंदर। बेस वेरिएंट में आज भी वही आ रहा है 2024 में भी भाई, सीरियसली ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ये पहले नहीं आती थी। इसमें रूफ रेल वगैरह अब भी नहीं आ रही है लेकिन इसके अंदर शार्क फिन एंटीना आपका एक ऐड हो जाता है क्योंकि बेस वेरिएंट में नहीं है, सो सैड। इसके अंदर वो वाला फीचर भी नहीं है, इसको आप प्रेस करके अपना ये वाला पेट्रोल वाला वेरिएंट है तो इसको ऐसे करके वो खोल लो, वो वाला सिस्टम भी नहीं भाई। इस पर क्रेटा पीछे से बहुत अच्छी लग रही है, डार्क कलर्स में तो वेरी ब्यूटीफुल मतलब जिससे कहते हैं, और ये वाला कलर तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्रेटा लिखा गया पूरा इस बार ना सिल्वर में लिखा है, क्रेटा वगैरह ह्यूंडई का लोगो अंदर छुपा रखा है, और बेस वेरिएंट से आपको कनेक्टेड लाइट दे दी है, ये बहुत बेस्ट है। सेल्टोस में ये वाली चीज़ मिसिंग है, बेस मॉडल में बस ये जलती है उसकी, लेकिन इसमें आपको बेस से ये मिल रहा है अपना, बहुत अच्छी बात है। ये इसका हेलोजन आ रहा है इसके अंदर, ये भी अपना हेलोजन लाइट आएंगी इसके अंदर। ये थोड़ा सा और प्लेसमेंट अगर कल को कहीं पर लग गई ना हल्की पतली भी, जैसे बैक करते हुए इस गाड़ी में लग गई तो थोड़ा सा भाई आपको खर्चा बिठवा सकता है इसके अंदर, वाइपर डिफोगर वगैरह आपको EX में नहीं मिलेगा, ये आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं जैसे सेल्टोस में कर रखा है बैकलाइट वगैरह, बट भाई कुछ सोचा होगा इन लोगों ने भी क्या कर सकते हैं। और हाँ भाई एक और जरूरी चीज़, इसके अंदर आपको कैमरा EX के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऊपर वाले जो वेरिएंट आता है इसका S उसमें जाना पड़ता है, स्टीरियो है लेकिन कैमरा आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक थोड़ी सी मजबूरी वाली बात करती है, कैमरा आज की तारीख में जरूरी रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पॉइलर जरूर दे रखा है ह्यूंडई ने। इसके अंदर स्पेड टायर आप बात, वो पूरा ग्रे है थीम भाई, पावर सेल्टर वगैरह EX में नहीं आएगी लेकिन 60-40 स्प्लिट सीट्स है, ये काफ़ी गुड चीज़ है। और 3 सीट बेल्ट आपको पीछे की तरफ भी देखने को EX में मिल जाएंगी। ये तो खोलोगे तो यहाँ पे देखिए 205/65R16 की आपको ये मिलेगी, इसके अंदर गोश्त कटिंग नहीं है लेकिन स्टील रिम आ रहा है जैसे चारों बाकी के आ रहे हैं, और ये मैंने आपको कल दिखाया ही था इस तरीके से, ये वैसे दिखता है वो सीट बेल्ट रिमाइंडर वाला सीन है ना, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आएगा गाड़ी के अंदर।
ये देखो आप साइड से गाड़ी कैसी लग रही है भाई, कलर मस्त है, कुछ भी गाओ तो आफ्टर मार्केट में रूफ वेल्स लगवानी पड़ेगी वरना गाड़ी आपकी थोड़ी सी गंजी गंजी लगेगी। और ना इसके अंदर अब ये वाली चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़ भी मिसिंग है जो यहाँ पे क्रोम होता था इसके अंदर। भाई साहब आपको चाबी दिखाता हूँ मैं, वो फ्लिप की है भाई, बहुत मतलब टाइम से यही चलती आती है, ये नहीं चेंज करते। i20 लो वरना लो, सब में आपको सेम यही तरीके की देखने मिलती है, दो की आपको मिलेंगी। लॉक करते हैं तो इस तरीके की आवाज़ आती है, अनलॉक करते हैं तो दो बार पों पों करती है, और होल्ड करके रखते तो मूड भी अपना अनलॉक हो जाता है। बाकी अब आप खोलोगे डोर को तो इस तरीके का आपको डोर मिलेगा, जो कि पूरा पूरा इस बार ग्रे कलर में कर दिया, पहले ऑल ब्लैक आता था लेकिन इस बार थोड़ा ग्रे कलर इन्होंने चूज़ किया कि लेट्स डू दिस नाउ। और यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलेंगी, और सबसे अच्छा फायदा ये कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आपको मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी सीट आप हाइट के अकॉर्डिंग अपना बेस ब्रांड से ये एडजस्ट कर सकते हो, और फैब्रिक की आपको सीट्स मिलेंगी, आपको ऊपर जाके थोड़ा सा बदलवाना पड़ेगा भाई आफ्टर मार्केट, क्योंकि ये दो दिन पुरानी गाड़ी है मात्र इतनी गंदी हो गई है ना हद से ज़्यादा। ये देखो वाइट कलर की सीट्स, ये आपको मेरे ख्याल से सीट कवर इस पर चढ़वाने ही पड़ेंगे। इन्होंने इस बार ना थोड़ा लाइट कलर का इंटीरियर देने का चूज़ किया है, यहाँ से अपना पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं हम अपना, अगर आप डीजल लोगे तो उसके अंदर DAF भी डलवाना पड़ेगा। फेज टू बहुत स्मूथ हो गया भाई, बहुत प्यारा। और यहाँ पे चाबी लगाओगे तो आप इंटीरियर में जाओगे तो इस तरीके का पूरा थीम देखने के लिए मिलता है। ये देखो टेंटन, ये गाड़ी आपकी EX वेरिएंट, बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है जो यार बेस मॉडल से मेरा ग्रैंड विटारा बेस मॉडल से पुश स्टार्ट बटन आ रहा है, इसको ऑन करेंगे हम तो ये देखो ये पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है। सिस्टम चेक वगैरह आएगा पहले लिख के भाई पूरा कंप्लीट, लो फ्यूल यहाँ पे अपना फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, लाइट जला लेंगे तो ये ब्राइटनेस डिम हो जाती है इसकी, और ये इसमें आप जाओगे तो बिल्कुल जैसे हम इतने दिन से सेल्टोस चला रहे हैं ना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बेस वेरिएंट भी मिल जाता है, बेस वेरिएंट से ये बढ़िया चीज़ है। और इसमें मतलब थोड़े बहुत डिज़ाइन आप आराम से इसमें चेंज कर सकते हो, ये टॉप वेरिएंट जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी तो भाई इतनी प्यारी लगती है ना बस पूछो मत ना। इसमें क्लस्टर में मैं जैसे ही जाऊँगा ना तो लाल हो जाएगा, ये आपका थोड़ा नीला हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूँ लाल पे रखा करो, थोड़ी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आती है। कह रहे हैं इसमें भी आता है, ये ऐसा ही वाला हो गया यार अब सेम टू सेम। ये यस करेंगे, देखो कोई केबल वेबल ना लगाई हमने, फोन ये रहा, और अब देखना आप ओके करेंगे, और ये देखो इसका आप फिर मजा ले सकते हो। टेंटन भाई ये देखो आगे कार प्ले मतलब मस्त है यार, वायरलेस भी मतलब मजा आता है, बस वही है कि चार्ज नहीं होता फोन आपका, ये एक नुकसान रहता है। और गाड़ी जब ये शिपिंग मोड आपने बहुत गाड़ियों में देखा होगा, ये भाई तब रहता है जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट में होती है ना, तो आप इसको ओके करके रखते हो तो ये डिसेबल हो जाता है, फिर आपको नॉर्मल जो चीजें हैं वो दिखाने लग जाता है। शिपिंग मोड में मतलब बैटरी को सेव करते हैं कहीं ना कहीं। बाकी स्पीकर वगैरह ओके ओके हैं, बाकी सेटिंग में भाई साउंड वाउंड में भी आप अपना आराम से देखिए, इतने सारे आपको इक्वलाइजर वगैरह ये सब मिल जाता है। इसके पैसे हैं मेन जो आप इस वाले इवेंट में दोगे ना, इसके अपना चार स्पीकरों के, और इसके जो अपना स्टीरियो वगैरह मिल रहा है, और एक इसके। अगर आपका आफ्टर मार्केट नहीं छुड़वानी और ये बेसिक फीचर तो चाहिए तो EX मेरे ख्याल से आपके लिए वैल्यू फॉर मनी आराम से बढ़िया वाला वेरिएंट एक तरीके से हो सकता है भाई। EX भाई पता किसके लिए वेरिएंट है, जिनको मतलब एकदम बेसिक चीज चाहिए ना, सनरूफ चाहिए ना, आलो का शौक है, बस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, इसे ज्यादा फीचर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, गाने वाने चल जाए, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस ही चल जाए, ये उनके लिए डिजिटल स्क्रीन आ जाए इस तरीके की बहुत प्यारी, और आफ्टर मार्केट छुड़वाना ही नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ये इसमें मैट फिनिश में आएगा, ये आप देख रहे हो, जो टॉप मॉडल में तो पूरा पियानो ब्लैक है, लेकिन इसमें स्टीरियो है थोड़ा सा लिटिल ओल्ड लग रहा है भाई, इसके ऊपर पन्नी है, इसके ऊपर बस यहां पे पन्नी है। ये पुरानी वाली स्क्रीन लगा दी जो इनकी 8 इंच की आया करती थी ना, जिसके अंदर आप वायरलेसली ये एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वगैरह चला सकते हो, तो ये उस टाइप का दे रखा है। दो नॉब आते हैं वॉल्यूम वगैरह करने के, टॉप ब्रांड में वॉल्यूम वगैरह के नॉब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल से निकल के आता है भाई ये वाला वेरिएंट। अगर आप बात करते हो यहां पे आपको ये भी नहीं मिलता भाई अपना लेदर अप स्टीयरिंग। बाकी एक चीज जो थोड़ी सी इरिटेटिंग है ना, पूरा ही ग्रे करने का जो आइडिया है ना वो थोड़ा सा इनका गलत है भाई। यहाँ पे ग्रे स्टीयरिंग भी ग्रे, पूरा ये डोर भी ग्रे ही ग्रे है भाई, और इसमें यहाँ पे ऑटो ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आ जाता है, मैग्नेट सी इसमें भी दे रखी है, यहाँ पे पन्नी सड़ी आएगी जब आप नहीं लोगे, हमने उचाल दिया। मतलब SX या S वो लोगे ना आप ऊपर वाले वेरिएंट्स, उनमें वायरलेस नहीं आता, लेकिन इसके अंदर वायरलेस है भाई। ये कमाल की चीज इन्होंने कर रखी है, कमाल का हो बेकार का हो पता नहीं क्या, टॉप मॉडल वाले चला ही नहीं सकते, हद ही हो गई यार। ये थोड़ा सा चीप लग रहा है यार, ये सेल्टोस का अच्छा लगता है, इसमें AC के कंट्रोल, ये टेम्परेचर का हो गया, 1, 2, 3, 4 अपना फैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरे को तो पर्सनली। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे छुपा हुआ, ये सही है यार, इसको ज्यादातर कम लोग यूज करते हैं तो ढका ही सही है, टाइप सी है, और एक USB का ए पोर्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर। ये बेस वेरिएंट में नहीं है ये वाली चीज, इसमें मिल जाएगी क्योंकि बेस में स्टीरियो वगैरह नहीं है ना, तो इसके अंदर स्टीरियो भी मेन ऐड हो जाता है। ये नो अपने को मिल रहा है, बाकी भाई इसमें वो पोर्शन खाली है जैसे टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे हमने कल देखा था वेंटिलेट सीट वगैरह सब कुछ आता है। दो का फोल्डर, यहाँ पे हमने को हैंड ब्रेक मिलती है, और ये हमें मिलता है इसका आर्म रेस्ट, इसमें थोड़ा कम स्पेस है। और इसके डैशबोर्ड पे देखो भाई ये स्पीकर सा सब ऊपर से दे रखा है, पर ये बंद है भाई, फेक है, देखो कितने चालू है भाई, ये रबड़ सी लगा रखी है खाली, पर अच्छी फील दे रहा है। ये देखो ये बढ़िया लग रहा है डिजाइन सा, इसके अंदर कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, ये इसके अंदर आपको ऐसे बंद मिलेगा,
फोन वोन यहाँ पे आप अपना आराम से रख सकते हो। ये बढ़िया स्टोरेज कर दी इन्होंने इस बार यार, देखना आराम से फोन वोन पटक दिया, यहाँ पे धरने की आपको जरूरत नहीं है। पर ये मेला मेला सा अजीब सा लग रहा है यार, ना कारेन में छोड़ा ना भूरेन में छोड़ा, पता नहीं बीच में लटका दिया, मेला मेला सा अजीब सा ही लग रहा है। पूरे में हैलोजन लाइट मिल रही है, इसमें सनग्लास होल्डर वगैरह भी मिल जाएगा। और स्टेयरिंग की बात करते हैं भाई, तो ऊपर नीचे कर सकते हो इसमें, आगे पीछे मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है, केवल टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक वाला आपको नहीं मिलेगा। और भाई स्टेयरिंग देखो, डी कट अपने को मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। और एक और चीज, ये कलर इतना डिफरेंट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खोलूंगा, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ब्लैक दिख रहा है। इस वेरिएंट के अंदर भाई ट्विटर भी मिलेंगे, स्पीकर्स भी आएंगे, क्योंकि स्टीरियो तो ऑब्वियसली एयर केमिस्ट के वाले इनको देने पड़ेंगे। यहाँ पे IRV अपने को मिलता है भाई, ये मैनुअल वाला। भाई चलो पीछे की साइड चलते हैं, पीछे भी वही है भाई, मेला मेला सा सिस्टम इनका, वही ग्रे ग्रे फिनिश। आप लोग बताओ आपको पर्सनली पसंद है, मेरे को तो इतना सही नहीं लग रहा है। अरे ब्लैक की बात अलग ही रहती है, पावर विंडो मिल रही है, स्पीकर वगैरह मिल रहा है, स्पेस ठीक है भाई क्रेटा में, स्पेस अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम है, कोई नहीं चल जाएगा। पीछे एसी वेंट भी मिलेंगे आपको, दो टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे, और एयर बैग भाई पूरे दे रखे हैं सेफ्टी वाइज, अब कोई दिक्कत नहीं आपको। 6 एयर बैग गाड़ी के अंदर मिलेंगे, और बेस मॉडल से ही आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स, और EX वेरिएंट में भी आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, नेक रेस्ट आपको मिलेंगे गाड़ी के अंदर टोटल 4, पीछे यही है। और ये अच्छा भाई 25-30 हज़ार रुपये की सीट है ये, जो ये कंपनी वाले पहले से ही दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करी, अच्छी सेल्टोस में पूरी पूरी एक ही आती है। इसके अंदर पार्सल ट्रिप वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहाँ पे हैलोजन लाइट दे रखा है, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको मिलेगा। ओवरऑल EX का आपको जो इंटीरियर है ऐसा लगेगा। मेन इसमें पता क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट ORVM डाल दिए, स्टीरियो डाल दिया है, ये मेन बदलाव, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। और भाई Hyundai के यहाँ पे इस EX वेरिएंट में आपको कर्टेन वगैरह भी नहीं मिलता है, जबकि आपकी एजल्टोस की बात करते हो तो उसमें बेस वेरिएंट से यहाँ पे कर्टेन दे रखे हैं इसके अंदर। सॉरी भाई साहब, डेट इज मिसिंग ओवर हियर, जबकि आप 14 लाख रुपए पे कर रहे हो भाई पेट्रोल के अंदर। लेकिन अगेन भाई वो चीज़ वहाँ पे कंपनसेट हो जाती है, जैसे कि हमें भाई वही आ जाएगा 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं आती, ये सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता। अब वो आपको अपने हिसाब से देखना कि आपको कर्टेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। बाकी यहाँ पे नोब क्या आती है, इसको आप इस तरीके से डाउन कर सकते हो। ये होता है 60-40 स्प्लिट सीट्स का फायदा कि भाई एक बंदे को बिठाना और सामान ज़्यादा है तो आप इसको लुटा सकते हो और बंदा भी बैठ जाएगा। अब अगर 60-40 नहीं होती तो आपको फिर पूरी सीट ही लुटानी पड़ती है, उसमें फिर बस दो बंदे बैठ के जा सकते हैं, फिर पूरे में सामान भरो। अब करते हैं भाई साहब EX में आपको कौन कौन से इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशंस मिल जाते हैं, मेन चीज वो, लेकिन उससे पहले वाइपर देख लो, नॉर्मल एकदम आपको वाइपर मिलेंगे। तो EX ना केवल आपको भाई एक तो पेट्रोल मैनुअल में मिल रहा है और एक मिल रहा है डीजल मैनुअल के अंदर। ये पेट्रोल में है भाई गाड़ी, जो 115 बीएचपी के साथ 143 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है, और डीजल में भी केवल मैनुअल में आप इसको ले सकते हैं 115 बीएचपी के साथ, तो 250 एनएम का टॉर्क है। ऑटोमेटिक वगैरह का ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको इस EX वाले वेरिएंट में सैडली नहीं मिलता है। और टर्बो इंजन वगैरह एक्सपेक्ट ना करें भाई, EX वेरिएंट में जिनका 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आ रहा है 160 बीएचपी वाला, वो आपको इन वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। वो इंजन तो मात्र टॉप वेरिएंट में आता है, SX ऑप्शनल जो सबसे टॉप है, वो भी केवल 7 DCT, केवल एक वेरिएंट है उस वाले इंजन ऑप्शन का। तो आप लोग बताइए भाई आपके क्या विचार है इस क्रेटा EX के बारे में, इसके प्राइस को देखते हुए 14 लाख रुपए पेट्रोल में और 16 करीबन डीजल में आप इसके लिए स्पेंड करना चाहो, मतलब 15.5 मान लो, कहीं कहीं पे डिस्काउंट वगैरह लेना आता है आप पे, तो आप आराम से वो डील क्रैक कर सकते हो। तो ये थी EX भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।